हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं शावर वगैरह लेके रेडी हुआ हूँ और आज मम्मी को भी लेने जाना है और मेरे को अपने एडवोकेट के काम, आज अपने एडवोकेट के साथ काम है और एक दो काम मेरे को जरूरी काम वो वहाँ पे जाना है। और अभी फिलहाल मैंने खाना वगैरह तो कुछ नहीं खाया और आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है क्योंकि बाहर हो रही है आज खूब बारिश सर्दियों वाली। ये देखिए हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी हुई है, बहुत मजा आ रहा है, सारी रात बारिश होती है। बारिश में आपको पता है कि सोने का क्या मजा आता है, वो भी सर्दियों में है ना, बंदे को नींद आती है। फिलहाल क्या है कि मेरे को एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि फ्रंट लोड मशीन लेनी चाहिए या फिर कौन सी लेनी चाहिए, आप मेरे को बताऊं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं क्योंकि फ्रंट लोड मशीन है वही सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास गरबी को के धोने के लिए रखे हुए, हमारे पास सेमी मशीन थी, सेमी फुली ऑटो, तो इसमें फुली ऑटो तो नहीं, सेमी क्या कहते हैं इसको, ये वाली थी। तो फिर बाद में हम जब पहले लेना चाहते तो मम्मी ने ये ले ली, लेकिन बाद में हमने ये ली, तो अभी कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे बढ़िया। अगर आप लोग ले रहे हो ना तो ये फ्रंट लोड ही लेना और ऑटोमेटिक लेना। और दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली गौतम ने भी ली थी तो उसने यही वाली ली थी, वो भी सेमी ऑटो मशीन को बोल रहा था, मैंने कहा नहीं तुम फ्रंट लोड पे जाओ, तो अभी वो भी खुश है। मतलब कि जो सब्सक्राइबर का कमेंट आया था वो कह रहे कि जवाब जरूर देना, तो मैंने आपकी बात का जवाब जरूर दे दिया। तो गाइस अभी निकलते हैं, बहुत बारिश हो रही है और आज बहुत बिजी होने वाला हूँ मैं, बहुत जरूरी काम है। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भूख लग रही है, चना समोसा खा रहा हूं। गाइस ये रहा मेरा गर्मा गर्म चना समोसा साथ में दही। गाइस मम्मी को लेके वापस जा रहे हैं, आंटी बोल रहे हैं रुक जाओ, वो रहा शादी वाला घर, अभी हम जा रहे हैं, चलो फिर। गाइस मम्मी को छोड़ दिया मैंने और सामने हो रहा है सनसेट। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो जस्ट अभी सुबह सुबह हम स्टार्टिंग करते हैं नहाने धोने के बाद सीधा चाय से, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हमें चाय नसीब हुई है घर के मम्मी के हाथों की स्पेशली। मम्मी पूछ रहे थे कि चाय बना दी, मैंने कहा बना दी, बहुत टाइम हो गया पी हुए। गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ, एक्चुअली थोड़े से कुछ जरूरी काम है इसलिए थोड़ा सा सुबह जल्दी निकल जाता हूँ, मेरे को इधर उधर जाना पड़ता है। और गाइस ढोल की आवाज़ आ रही है, आज हमारे गाँव में है छिंज और धूप कितनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है धूप आजकल, गर्मी को कितनी बुरी लगती है। और बारिश हो रही है आजकल एक दो दिन से, बहुत से एरिया में हो रही है ये सर्दियों वाली बारिश, ठंड हो जाती है, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर ठंड में सूखी ठंड नहीं पड़नी चाहिए, अगर बारिश हो जाए ना फिर ठंड बढ़िया होती है, बंदा बीमार भी नहीं होता इसलिए। और मैंने अभी तक शर्ट पहनी हुई है, जैकेट वगैरह पे अभी नहीं आया। गाइस निकलते हैं फटाफट से। गाइस आज ना मैं नीरज अपने एडवोकेट के पास आया था कोर्ट में, यहाँ पे भी कोर्ट है। गुड आफ्टरनून गाइस, आज काफ़ी टाइम बाद ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आया हूँ तो अपने एडवोकेट के पास, कुछ ना मेरे को थोड़े से काम थे जो कि अभी अभी भी आने वाली है मेरी हेयरिंग, तो उनके लिए फॉर्मेलिटीज़ मैंने फुलफिल करनी थी, तो अभी बस काम हो गया। सुबह से ना ऐसे घूम रहा था, मतलब कोर्ट और कचहरी में, आपको पता ही कितना अपना तालमेल हो चुका है काफ़ी टाइम से। बस अभी निकलने वाला हूँ घर के लिए, बट कुछ फॉर्मेलिटीज़ मेरी रहेगी वो मैं फिर अब मंडे या ट्यूजडे में भी आऊँगा, तो फिर दोबारा से फिर आना पड़ेगा। ये वाला मेरे ब्लॉग भी कल एक दो दिन से इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बस बागदौड़ में लगा हुआ था और पता नहीं यही चलेगा अभी पूरा महीना, बिजी होने वाला है पूरा महीना। ये वाले डेज मेरे निकल रहे हैं कोर्ट में, फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती है, बहुत डॉक्यूमेंट्री काम होते हैं, और उसके बाद 6, 12, 13, 29 ये चल रहा है इस मंथ, दिसंबर मंथ हमारा सब भी बढ़िया वाला, वो भी ब्रेवली। आज मैंने छोटी सी शॉपिंग की और ये आ गया है मेरे पास, और फिलहाल शंकी जी कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। क्या है पता, इसमें बैग मंगवाया मैंने, शोल्डर बैग H&M से, चाहिए था मेरे को ना, इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कार्ड वगैरह और कैमरा वगैरह कैरी करना पड़ता है। करो शंकी जी ओपनिंग इसकी, मैं भी देख लूँ कैसा, दिल्ली देखा था मैंने, फिर ऑनलाइन मंगाया जब हम गए नहीं थे अभी दिल्ली, तब देखा था। और फिर मैंने आज नहीं मतलब 2-4 दिन पहले ऑर्डर कर लिया, बढ़िया है ना, काफी डिस्काउंट में मिला मेरे को ये, अभी ऑफर चली हुई थी ब्लैक फ्राइडे की, तब वैसे था 2,200 का, अभी मिला सारा मेरे को 1,300 का, अभी फिर से वैसे उसी प्राइस पे हो गया, फिर से सही है ना। H&M के प्रोडक्ट तो वैसे ही अच्छे हैं। इसके तीन पॉकेट्स हैं, एक ये एक पीछे और एक ये, अब कम से कम ये तो होगा कि ब्रांडेड है थोड़ा अच्छा सा लगे, नहीं तो मेरे पास ये वाला था ना, मेरे को तो पहनने में शर्म से आती थी इसको, लेकिन अच्छा था। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो 2-3 दिन से ये वाला व्लॉग चला हुआ, तो कल रात मैं मूवी देख के आया एनिमल, मेरे को ठीक ठाक लगी, कुछ तो ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी, बस पापा पापा ही चलता रहा क्योंकि समझ भी नहीं आई मेरे को, वैसे एक्शन मूवी थी, लेकिन मेरे को आज फिर से जाना है Tiger 3 मूवी देखने के लिए। और फिलहाल हमारे घर में आए हुए हैं सुबह सुबह चाची जी, और चाची कैसे, बढ़िया, चाची जी हाथ में पकड़े हुए फूल और मम्मी को लेने के लिए आए, और किशु की मम्मी भी आए हैं हमें खाना देने के लिए क्योंकि आज है किशु का बर्थडे, है ना, हैप्पी बर्थडे भाभी, मुबारक है आपको।
और मम्मी अभी फिलहाल अंदर है और रेडी शेडी हो रहे हैं क्योंकि मम्मी को चाची जी के साथ जाना है, हमारे यहीं पड़ोस में कीर्तन है वहाँ पे जा रहे हैं ना। लेट नहीं हो गया आप? और गाइस मैं भी ना आज उठने में बहुत लेट हो गया, खुल के नहीं पूरी 11 बजे उठा और अभी जहाँ पे अपनी फेवरेट वाली प्लेस पे बैठ के मैं सेक रहा हूँ धूप, मज़ा आ रहा है। और गाइस आप लोग पूछ रहे हो मेरे को व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, कुछ क्यों नहीं आ रहा गाइस, कुछ ना लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ ना प्रॉब्लम्स हो जाती है, सारी चीज़ें जहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती, बहुत चीज़ें सोच समझनी पड़ती है, तो इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे नहीं पे। और हम हैं अपने घर में और एक्चुअली गाइस पता क्या है, मैं ना सोच रहा हूँ कि अभी एक्सरसाइज कर लूँ क्या कर लूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मैंने अच्छे से नींद वगैरह भी कुछ ऐसी दिमाग में बहुत सी बातें चली हुई है, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था, ब्लॉग भी करने को मन नहीं कर रहा था, तो फिर ऐसे है कि अगर हम ना करें तो भी बात नहीं, आप लोगों की क्वेश्चनिंग भी हो रही थी, वो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा शूट कर रहा था जब मेरा मन सही होता था, जब मन थोड़ा सा उदास होता मेरा शूट करने को मन नहीं कर रहा था, आज भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि छोड़ दूंगा ये ब्लॉग वगैरह ये अभी कुछ टाइम के लिए। बट क्या है कि गाइस फिर पता क्या हुआ, फिर सोचा कि यार अगर मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा यार फिर ज़िंदगी की जंग है वो कैसे लड़नी है, बहुत सी चीज़ें होती है तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो गाइस फिर अभी क्या हुआ, मैं सोच रहा हूँ ना मैं एक्सरसाइज कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि गाइस मैं ना अभी ना जब भी नए कपड़े लेता हूँ शर्ट में प्रॉब्लम क्या आती है या फिर स्वेट शर्ट में, मैं ना अगर ओवर साइज लूँ तो वो शोल्डर बड़े हो जाते हैं, और अगर अपना जो मेरा फिटिंग वाला साइज़ है वो लूँ ना तो वो मेरे को फिट आता है लेकिन पेट से थोड़ा सा बाहर को होता है, तो मेरे को ये होता है कि मैं पेट को ना इस एरिया को थोड़ा सा कम करूँगा। मैंने इसीलिए ना परसों भी रोटी नहीं खाई और कल भी रोटी नहीं खाई और खाना खाना बंद कर दिया मैंने रात के टाइम, और दोपहर को भी मैंने कुछ नहीं खाया, हल्का फुल्का बस सूप वगैरह इतना पिया मैंने, और यही सोच रहा हूँ कि मेरे को ना अपनी डाइट कम करनी पड़ेगी। ये मेरे को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि ना मैंने ना कल एक शर्ट और परचेज़ की, ये देखिए मैरून कलर, और मैरून कलर अच्छा लगता है मेरे को, मेरे पास पहले टी शर्ट थी तो ये मैं लेके आया था एक, तो मैंने ये पहना, हाँ तो मेरे को बस ये भी प्रॉब्लम, अगर इससे बड़ा वाला साइज देखूँ तो शोल्डर पड़े हुए थे, फिर मेरे को लगा कि मेरे को इस चीज़ को रिड्यूस करना है, अपने आप को फिट करना है, तो खाना वगैरह कम कर दिया मैंने, एक टाइम ही खाया करूँगा, रात को छोड़ दिया करूँगा और सैलड वगैरह खाया करूँगा और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करा करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपनी फिटिंग के लिए। और एक क्या है कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया ना, आपको पता कि गाइस मैं ना एक्सरसाइज करता था, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया ना तो मैं प्रॉपरली ना जंप करता हूँ ना मैं भागने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी और रेस्ट लेना चाहता हूँ ताकि नहीं अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने जंप नहीं किया, अभी रिसेंटली कुल्लू में गया तो मैंने जंप करने स्टार्ट कर दिए थे, कर लेता हूँ, फिर भी एक अंदर ना डर होता है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना वो ओरिजिनल ही होती है, डर तो डर ही होता है ना कहीं दोबारा से क्रैक ना हो जाए, ऐसे आवाज आए क्रक तो फिर से वही प्रॉब्लम। और जब मैं पुशअप निकालता हूँ तो मेरी ये वाली जो आर्म है ना मैं नहीं निकाल पाता, यहाँ से पेन करता है जॉइंट से ये वाली, तो इसलिए ना मैं खुल के एक्सरसाइज नहीं कर पाता आजकल, तो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, इंट्रोड्यूस करना बाकी सब बढ़िया, पुशअप निकालने में मेरे को दिक्कत होती है, मैं निकाल ही नहीं पाता, पहले मैं 50-50, 100-100 इकट्ठे निकाल लेता था, जब ऐसे करता हूँ ना मेरी सांस में बहुत पेन होता है, इसीलिए मैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि रेस्ट लेता हूँ, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, तो यही है 2-4-5 महीनों से ऐसी प्रॉब्लम चली हुई है लेकिन अभी कम हो गया है, पता नहीं क्यों, शायद मेरे को लगता है मैं रात को ऐसे सोता हूँ सिर के नीचे हाथ रख के, शायद ये वाली प्रॉब्लम होगी, ऐसे उम्र के साथ ये प्रॉब्लम्स आनी जायज है। तो गाइस आज के लिए बस इतने, कुछ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की मैंने अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि फिर ना थक जाता, बहुत टाइम बाद किया मैंने और ऐसे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, डेली करूंगा मेरे को, क्योंकि अपने ना इसको ना मेरे को कम करना है पेट को, बाकी सब बढ़िया है। वैस मम्मी तो अभी चले गए कीर्तन में और फिलहाल ये मेरे लिए थोड़ा सा काम छोड़ गए, एक्चुअली क्या हुआ मम्मी ने ना सुबह पोछे वगैरह लगाया क्योंकि मैं तो सुबह लेट उठा, तो ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ, मैंने सोचा कि इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता और मम्मी भी कितना काम करेंगे, बस हो जाती है। ये भी ऊपर चढ़ा के रखा हुआ था और ये भी ट्राईपोड पड़ा हुआ है किसी की इमानत, तो ये सेफली यहाँ पे है, जब जाना है चले जाएगी अपने आप। और अभी जस्ट मेरे को शावर लेना है, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, और अभी जस्ट एक्सरसाइज वगैरह करके मैं थोड़ी सी रेस्ट करना चाहता हूँ, एकदम नहीं नहाना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम नहाएंगे वार्म अप हुए होते हो तो आपको सर्दी हो सकता है, बुखार हो सकता है। और गाइस ये मत सोचना कि मूवी क्यों देख रहा है ये,
मूवी से क्या होता है कि जो आपका माइंड है ना वो रिफ्रेश हो जाता है, आप जो सोच रहे हो ना उससे हटके आप दूसरी तरफ, आपका दिमाग 2-2.5 घंटे चला जाता है, तो आपकी लाइफ में जो परेशानियां होती है ना उसकी तरफ आपका माइंड नहीं जाता। और यही चीज़ होती है कि जब भी आप कभी परेशान हो, म्यूजिक सुन लो, मेडिटेशन कर लो, मूवी देख लो, शॉपिंग के लिए चले जाओ। अभी मॉल वगैरह तो यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है, वहाँ तो नहीं जाऊँगा, मूवी देखूँगा, उससे क्या होगा कि जो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ तो उन चीज़ों से बाहर निकलूँगा और अच्छा लगेगा।